मैं जब तक कुर्सी पे बैठा हूँ मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा ना अपने सूबे पे ना अपनी आवाम पे। चीफ मिनिस्टर हैं, सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ियां मिलते हैं, फैक्ट्रीज मिलते हैं, आज हमने खत्म कर दिया। आवाम के पैसों पर पलना जो है मेरे ख्याल में ये बड़ी अजीब बात है। किसी को बहुत शौक है गार्ड रखने का तो अपने पैसों से रखे, तो ये आवाम हमें पालने के लिए नहीं बैठी यहाँ पर। आवाम गुर्बत की लकीर से नीचे जा रही है, हमें गरीब मुल्क है, लेकिन ये बादशाहत का निजाम है और इस तरीके से एक बादशाहत का निजाम हम नहीं चाहते। हमारे लीडर इमरान खान का भी यही विजन है, तो इस मैंने अपनी तरफ से ये लाया था पहले पहले, पहली कैबिनेट थी आज, कि जो हमारे जो चीफ मिनिस्टर हैं उनको खत्म होने के बाद भी जो पर्स प्रेजेंट मिलते हैं, सिक्योरिटी मिलती है, गाड़ियां मिलते हैं, सेक्रेटरीज मिलते हैं और बड़े उनको जो दिए जाते हैं चीजें, तो आज हमने खत्म कर दी है। जब तक आप अवामी कुर्सी पे हैं तो ये अवाम आपको अपने टैक्स के पैसे जो बर्दाश्त करती है तो चले वो तो ठीक है, लेकिन जब आप अवामी कुर्सी पे नहीं है तो उसके बाद कम अज कम अवाम के पैसों पर पलना जो है मेरे ख्याल में ये बड़ी अजीब बात है। किसी को बहुत शौक है गार्ड रखने का तो अपने पैसों से रखे, और ऐसे आप इकदाम करते ही क्यों हैं आप कि बाद में आपको गार्ड भी चाहिए, कुर्सी सटने के बाद भी चाहिए और चाहिए भी आवाम के टैक्स के पैसे पर। तो ये आवाम हमें पालने के लिए नहीं बैठी यहाँ पर, आवाम ने अपने बच्चों को पालना है, बल्कि हमने आवाम के बच्चों को आगे बेहतर मुस्तकबिल देना है, बजाय इसे कि हम आवाम के टैक्स के पैसे पे खुद ऐशा करते फिरे। तो ये मैंने खत्म कर दी है और इंशाल्लाह बाकी भी और ऐसी बहुत चीजें हैं, वक्त के साथ साथ इंशाल्लाह हम उनको भी खत्म करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि आवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो हमारे पास बहुत से ऐसी हमें दी जाती है पर्स प्लेट, हम उनको कम करें। इंशाल्लाह रमजान के बाद जो हमारा जो पेट्रोल दिया जा रहा है तमाम सरकारी महकमों में मिनिस्टर को, चीफ मिनिस्टर को, उसको भी हम कट लगाएंगे। इसी तरह जो हमारे बिजली के बिल हैं हमारे घरों के, हमारे दफातर के, उनको भी हम कट लगाएंगे। और अगर किसी को बहुत शौक है कि उसके बावजूद भी वो उसी याशी के साथ रहना चाहता है, बादशाह के साथ रहना चाहता है, तो बेहतर है कि अपनी जेब से पैसे लगाए। हमें किसी के अपने पैसों पर कोई एतराज नहीं है, ना अवाम को एतराज है, ना मुझे एतराज है, और वो कर सकता है उसको। लेकिन अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर इन हालात में, माशी हालात में, ना याशी करेंगे ना किसी को याशी करने देंगे।